चिरहरण हुआ है इसके साथ, दुशासन ने इसके साथ चिरहरण करने का काम किया है, और सरकार वहां बैठ करके आज जो मंत्री आज जो श्रवण कुमार का जो नाम लेने का जो काम हुआ कर दिया। हमने हमारे घर से बहुत मारपीट के निकाले, वो कहते हैं कि भूमिहार है यहाँ पे मुसलमान नहीं रहेगा, और कोई श्रवण कुमार मतलब मंत्री है उन्हीं के आदेश पर हम लोग को अपने घर से मारपीट कर निकाल दिया गया है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इस्तीफा नहीं देगा तो ये तेज प्रताप यादव जो लालू यादव का पैदाइश है। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज तेज प्रताप राजद छात्र कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, इसी बीच एक महिला रोती हुई तेज प्रताप के पास पहुंचती है, और महिला सीधे स्टेज पर पहुंचकर तेज प्रताप से कहती है कि बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जिनके कुछ गुंडे उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये एक बड़ा आरोप बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पर है। क्या कुछ है पूरा मामला, आप देखिए इस वीडियो के माध्यम से। बीच में हम रखना चाहते हैं कि समस्या लेकर के आप आइए, इधर आइए, आने दो इस बच्ची को, आने दो, अरे हटो जी, हटो, ये FIR इसके साथ क्या तुम्हारे साथ जो हुआ बेटी, तुम बताओ, पूरी मीडिया पूरे लोग सब लोग सुनने का काम करेंगे, यहाँ पे खाली नेता ही भाषण देगा, एक बच्ची बोलेगी, बोलो तो यहाँ से। हम लोग तीन माँ बेटी हैं, हम लोग को 8 जुलाई को कुछ गुंडों ने मारपीट कर निकाल दिया, हमें हमारे घर से बहुत मारपीट कर निकाले, वो कहते हैं कि भूमिहार है यहाँ पे मुसलमान नहीं रहेगा, और कोई श्रवण कुमार मतलब मंत्री हैं उन्हीं के आदेश पर हम लोग को अपने घर से मारपीट कर निकाल दिया गया है। जा रहे हैं तो अब आप बताइए, आप माँ है ना, आप बताइए, थाना में अगर हम जा रहे हैं तो थाना बोले हमारे हाथ बांधी गई है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम दो बच्चियों को लेके आज 8 तारीख से लेके आज 1 महीने से जो मैं रोड पे भटक रही हूँ, कुछ लोगों को लगा दिया है जो माय बेटी को मार के फेंक दिया जाए, अगर हम कहीं नहीं, ये श्रवण कुमार जी कौन नेता है मंत्री हम नहीं जानते हैं, हम किसी को नहीं जानते हैं, दो बच्ची को लेकर मैं सिर्फ रास्ते में भटक रही हूँ और आज मैं इनके पास आई हूँ। देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल परिवार और छात्र राष्ट्रीय जनता दल, पहले इनको कुर्सी दो, बैठने दीजिए, आप बैठ जाइए, आप इधर बैठ जाइए, कुर्सी दे दो, इधर दे दो, इधर बैठ जाइए। देखिए भाई, जाने माने सरकार पे उंगली जो उठा, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार बिहार में केवल यही बच्ची नहीं, इसमें दान पात्र भी, हमने एक आयांश जो लड़का जो बच्चा छोटा था उसको एक वैक्सीन का जरूरत है। हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हम ये छात्र नौजवान और जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, तो मोदी जी की जो केंद्र में सरकार है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, वो 16 करोड़ नहीं दे सकता है। सरकार चाहेगा तो 16 करोड़ अभी उपलब्ध करा दे, वैक्सीन मंगा के दे दे, इतना लेट क्यों किया जा रहा है। 16 करोड़ का जो अगर वैक्सीन आता है और उससे आदमी का जान बच रहा है, इसी समय में जब रामदेव बाबा जो थे, रामदेव बाबा को अपना ब्रांडिंग कराना था, दवा का प्रचार कराना था, तब विरोधी लोगों को, बीजेपी वाले लोग, RSS के लोग उनको घेरने का काम किए कि मनुष्य का हड्डी मिलाता है, जब तो पिताजी ने उनका बचाव करने का काम किया उस समय में, कि अगर मनुष्य का हड्डी मिलाता है उससे आदमी स्वस्थ हो जाता है तो आपको क्या दिक्कत है, पिताजी ने उठाया था ना ये बात को, सब लोग जानते हैं। तो सरकार के पास जब क्षमता है पूरे तरीके से दमखम के साथ, और सरकार जो इतना घोटाला कर करके जो बैठा हुआ है, और ये जो महिला है, ये जो बहन बैठी है, जो बेटी यहाँ बैठी हुई है, ये अपना बेटी को क्या, ये जानती थी बेटी की यहाँ पर आकर के बोलेगी ये सब बात, पढ़ने लिखने का इसका उम्र है, एक और बहन है इसकी, दो को बहन है, तो ये देख लीजिए कि पूरे तरीके से सरकार के ही लोग ये सब घिनौना से घिनौना हरकत करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के आप लोग तमाम लोग हैं, इनकी आवाज़ को हम उठाने का काम करेंगे, और सड़क से लेकर सदन तक घेराव होगा, भयंकर लेवल का घेराव होगा, हर किसी माई के लाल में हम सरकार से को चुनौती देने का काम करते हैं।
कि सरकार के मंत्री ने इन्होंने जो नाम लेने का जो काम किया है कोई दावा के साथ नहीं। आपको याद होगा कि इसी जनता दरबार में एक महिला के लिए हमने थाना पे चढ़ाई करने का काम किया और ये महिला यहाँ पे रो रही है, चीरहरण हुआ है इसके साथ, दूसरा संदेश के साथ चीरहरण करने का काम किया है। और सरकार वहां बैठ करके आज जो मंत्री आज जो श्रवण कुमार का जो नाम लेने का जो काम हुआ, वैसे मंत्री को सरकार को संसार हो गई है पूरे तरीके से, जो लोकतंत्र की जो भक्ति है। ये हम बोलना चाहते हैं सरकार को, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देगा तो ये तेज प्रताप यादव जो लालू यादव का पैदाइश है, ये पूरे बिहार में आंदोलन करने का काम करेगा। चलाओ गोली चलाते हो तो चलाओ, चलाओ गोली चलाएगा, इसकी बात को उठाने का काम हुआ आंदोलन का। अब बिगुल फूको तुम आंदोलन करवाओ पूरे बिहार में, इसको न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से पूरे तरीके से घिनौना हरकत इन लोगों ने करने का काम किया इस बच्ची के साथ और इनके साथ पूरे तरीके से समाज। ये कोई नहीं, वही हापंड वाले, वही आरएसएस वाले, वही भगवा पार्टी, नाथूराम के गॉडसेट के जो वंशज है, जो महात्मा गांधी जी को हत्या करने का काम किया था, वही उन्हीं लोग के वंशज के साथ इस तरीके का काम हुआ है। ये इनके साथ क्या हो रहा होगा इनका दर्द कोई नहीं समझ सकता है, आपके साथ क्या होगा वो दर्द कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। तो यही समझ रही है इनके साथ जो अन्याय हो रहा है लगातार, ये महिला दौर में हमारे पास भी आई महिला, अपना बात इन्होंने रखने का काम किया पूरे तरीके से जोश खरोश के साथ। ये जो नाथूराम गोडसे के जो वंशज हैं, ये आप लोग बैठ जाइए अपने अपने स्थान पर, बढ़िया आप लोग सब लोग पूरे तरीके से बढ़िए दमखम के साथ। आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से महिला मंच पर पहुंचती है और रो रो कर तेज प्रताप के सामने गुहार लगाती है और साथ ही साथ एक बड़ा आरोप लगाती है बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है, क्या कार्रवाई होती है। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।